हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग वायरल रील चल रही है वो कैसे बनाएं। तो पहले प्रीव्यू देखिए। तो दोस्तों, इस तरह की रील बनाने के लिए मेरे टेलीग्राम पर जाना होगा और उसमें एक लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे ऑफिशियल साइट पर जाके खुलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए करना कुछ नहीं है, ईमेल से लॉगिन कर लेना है सिंपली। अगर आपके पास में ईमेल नहीं शो करता है तो आप अकाउंट बना लीजिए। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इसे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड बना रखे हैं आपने, और नहीं तो आप अपने जब रजिस्टर करते समय पासवर्ड जो बनाएं वो उसे याद रखना ज़रूरी है। तो इसे साइनअप कर लेते हैं यहाँ से। तो इसमें डोंट शो दिस अगेन, नेक्स्ट। अब यहाँ से क्रिएट हमें 15 कॉइन्स मिल जाते हैं और इसमें जो आर्टिकल है ना, इसके लिए आप सिलेक्ट करिए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल मिल जाएगा, इसे वहाँ से इसे आप कॉपी कर लेना। और जैसे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद AI से जनरेटेड इमेज आ जाती हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और उसमें टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पर कोई भी एक इमेज पर आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से 3 डॉट पर जाकर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए। जैसे डाउनलोड हो चुकी है हमारी इमेज, उसके बाद में आपके लिए करना क्या है, यहाँ से आपको स्विच कर देना है, BN एप्लीकेशन पर जाना है, प्लस के आइकन पर करके यहाँ से कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और जो इमेज अभी डाउनलोड करी थी सेम वहीं पर सिलेक्ट करना है और इसके लिए नेक्स्ट कर देना फिर। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इसे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपके लिए इसे सिलेक्ट करना है इसके फंक्शन को। तो आपके लिए यहाँ पे BG वाले के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट कर देना और यहाँ से राइट टिक कर देना। उसके बाद में आपको टॉप में जाके रेशियो सिलेक्ट करने है इसका 9:16। फ्रेम रेशियो चूज़ करने के बाद में आपको लेफ्ट नीचे कॉर्नर में देखना है, इस पर फिल पर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये ऑटोमेटिक ये अपने आप शेप ले लेगा। और इसका लोगो है उसके लिए आप डिलीट कर देना। और यहाँ से आपको इस इमेज को तकरीबन 10 से 12 सेकंड की जितना बनाने चाहें उसे खींच कर लंबा कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए 14 के समथिंग रखूँगा, बस ये काफ़ी हो गया। और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है आपको। यहाँ से जब तक मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तब तक मैं थोड़ा बहुत इसका पार्ट भी स्किप कर दूँगा, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। अब आपको जाना है टर्बो VPN में, अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से ये एक VPN है, इसकी मदद से ही आप कैपकट में इसका टेम्पलेट है वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये देखो मेरा कनेक्टेड हो चुका है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट से कनेक्ट हो गया है मेरा। अब आपके लिए क्या करना है कि सिंपली आपके लिए गूगल में जाना है और इस पर लिखना है हेलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। जैसे ये इसके लिए आप यहाँ से सर्च कर देना और पहला ही लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है आपके लिए। क्लिक होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आपके लिए स्क्रॉल करना है। ये यूज टेम्पलेट इन कैपकट आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना आपके लिए। तो ये रीडायरेक्ट आपके कैपकट एप्लीकेशन पर हो जाएगा। अगर आपको कैपकट एप्लीकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, यूज टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है तो आपके गैलरी में पहुंच जाएंगे आप। जो अभी BN से एक्सपोर्ट करी थी वही रील के लिए आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। इसे ट्राई इट नाउ कर देना अगर आपके पास में आता है तो, नहीं तो ये फर्स्ट टाइम ही आएगा। प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से लोडिंग इफेक्ट ले रहा है ये, इसके लिए मैं स्किप कर देता हूँ। तब तक इसमें सारे के सारे इफेक्ट लोड हो रहे हैं।
और उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट का है, इस पे एक्सपोर्ट करना है। लेकिन एक्सपोर्ट होने से पहले इसमें स्लो मोशन इसमें अप्लाई हो रहा है। जब तक कि स्लो मोशन अप्लाई होता है तब तक इसके पार्ट को भी मैं स्किप कर देता हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मेरा हो चुका 95 हो चुका है ये, जैसे 100 होता है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए को एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट विदाउट वाटर मार्क पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी 60% से प्लस में हो चुकी है। अब जैसे ही 100% हो जाती तो मेरी ये ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत।